hello hi, i welcome in this damn everyone this is english speaking english speaking is where we are learning english speaking and personality development skills in a very fantastic way learning with fun yes to me a learning टॉपिक्स ऐसे कैटेगरीज ऐसे टॉपिक्स जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एडमिशन नहीं लिया अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे साथ तो अभी का भी रजिस्टर करें नीचे जो नंबर आ रहा है ट्रिपल एट ट्रिपल टू एट सेवन टबल फाइव इस पर व्हाट्सअप पर अपना नाम लिख कर सेंड करें और अभी रजिस्टर स्टूडेंट हो जाए ठीक है अगर आप ऑफलाइन बैचट में हैं तो ठीक है ऑनलाइन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन में आपको यूट्यूब और जूम जूम पे लाइव आ स्पीकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का लेसन द इज इसको रेस्टोरेंट नहीं कहते हैं इसको कहते हैं रेस्टोरों प्रोनाउंसिएशन हमें ठीक करते हुए चलना है क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में तो इसको रेस्टोरेंट नहीं कहते हैं इसको कहते हैं रेस्टोरों सो so, एट द रेस्टोर और ये फर्स्ट कैटेगरी ये फर्स्ट पार्ट है दो पार्ट में ये लेसन है बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं हम लोग सीखने वाले हैं ओकेजेंस जो रेस्टोरेंट में हो सकते हैं इवेंट्स के बारे में बात करेंगे ऑर्डरिंग रोल प्ले है कैसे कर सकते हैं ऑर्डर और रेस्टोरेंट के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे कि फोक स्पू एंड बॉल तो इन सारी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे नेपकिन ठीक है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे लोगों के बारे में बात करेंगे जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं मैनेजर वेचर ठीक है और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि गिव मी द चेक तो चेक क्या होता है कि जैसे आप बिल मांगते हो उसको चेक करते हैं इन इंग्लिश रेस्टोरेंट की लैंग्वेज में फिर हम लोग एक्शन प्लान पे काम करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू पढ़ने वाले हैं डायलॉग्स है रोल प्ले है ग्रुप डिस्कशन है और है क्रीज और एक सा वीडियो है जो इस लेसन के साथ में आपको शेयर करने वाला हूँ आपके व्हाट्सएप लेसन में व्हाट्सएप वाले ग्रुप में या So these train let's talk about uh, question of the day. so before this we will sit with our clock partner today and uh, i will decide as per the number of students in the live class that with which clock partner you will sit today okay so you will sit with that clock partner then we will start the class and we will start the class with a fantastic question of the day, which we will share in the live class i hope you understood next thing we will talk about the recap we'll recap the last lesson that what did you learn in the last lesson consolidation remember we sang a song yeah yeah so i will talk about the song we'll talk about some moral values some personality related things which we learned in the last class and we'll talk about that too so please share what did you personally learn in the what did you personally learn in the last lesson what did you personally learn in the last lesson don't forget to share next why is it important to learn about restaurant today we are going to learn about restaurant so why is it important think and write in the comment section right now 10 seconds 10 9 7 6 5 3 2 1 i hope you wrote in the comment section just now please pause the video and write it down i hope you did it right so please वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉस द लेसन प्लीज़ सिट विद अटब बुक एंड पेन अगर आपने नोट बुक पेन ले कर नहीं बैठो तो नोटबुक एंड पेन ले कर बैठो बिकॉज नोट्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके नोट्स ही हमारे लिए असाइनमेंट है जो हम सी एफ आर को शेयर करते हैं सेंड करते हैं ठीक है सो हाँ इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट रेस्टोरेंट इफ़ आई आई वॉन्ट टू वर्क इन अ रेस्टोर मीन्स आगे चल के मेरा होटल इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है वर्क के लिए करियर ऑप्शंस के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं इसको होटल इंडस्ट्री नहीं कहते हैं हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री कहते हैं इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं इस पर ध्यान दूंगा ये सीखूंगा बहुत अच्छे से दूसरी चीज़ इफ़ आई एम गोइंग टू विज़िट फॉर डाइनिंग इन ना रेस्टोर मतलब कि रेस्टोरेंट में विज़िट करने वाला हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में यानी कि थे, वो ठेले या फिर छोटे होटल की बात नहीं कर रहा मैं अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे दिखेगा कि यू आ एज यू आर मीन्स वेल एजुकेटेड पर्सन आप बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हो आपको पता है क्या मैनर होना चाहिए क्या किस चीज़ को कैसे कहते हैं किस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन क्या है किस को किस नाम से बुलाना चाहिए ये सारी चीज़ें हम आज रोल प्ले के थ्रू भी समझेंगे बट वी लर्न दिस थिंग फर्स्ट इन दिस लेसन सो लेट्स गो फॉर द लर्निंग So, dear students, we have role play in this lesson. So, there are six topics in this role play section. So, everyone is going to play a role and everyone is going to participate in this role play activity. So, you are going to prepare a dialogue, and in this, your book exercises will help you because I am going to explain very soon. Book exercises, you will see how to prepare dialogues for role playing so there are six scenarios select anyone select any one scenario and uh, you are going to do role plays what is the first scenario first scenario is getting direction to a restaurant from your फ्रेंड अपने दोस्त से डायरेक्शन लेना है कि रेस्टोरेंट किस तरफ मुझे बुक लेकर खाना खाना है और मुझे एक रेस्टोरेंट का डायरेक्शन बता दो भाई तो एक दोस्त से हेल्प लेनी है तो क्या कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए क्या डायलॉग्स होने चाहिए वो आप प्रिपेयर करो पहले नोट करेंगे लिखेंगे डायलॉग्स को इसके लिए बुक एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा क्योंकि हमारे बुक में कुछ एक, दो एक्सरसाइज है सी एंड डी जहाँ पर आपको रोल प्ले का थोड़ा सा हिंट दिया गया बट आप अपने डायलॉग्स प्रिपेयर करोगे जरूरी नहीं कि आप बुक का ही कॉपी पेस्ट करोगे नेक्स्ट इज रिजर्विंग अ टेबल एट अ रेस्टोरों फॉर अ स्पेशल ओकेजन फोन फोन पे आपको क्या करना है एक रेस्टोरेंट का एक टेबल बुक करना है तो मान लो कि कुछ भी अच्छे होटल में आप जा रहे हो तो वहां पर पहले टेबल बुक करना होता है कि हाँ टेबल रिजर्व कर लिया आपने फिर आपको जाना होता है ये नहीं कि हाँ सीधा उठा के चले गए तो कई बार क्या होगा होटल्स फुल होगा टेबल्स नहीं मिलेगा आपको खाली और आपको हो सकता है कि वहाँ से निराश होकर लौटना पड़े तो अच्छे होटल्स में पहले से एडवांस में टेबल्स बुक होते हैं थर्ड विजिटिंग ए रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग इन किसी एक रेस्टोरेंट में आप विज़िट करोगे और वहाँ पे खाना वाना खाओगे डाइनिंग मतलब कि खाना वाना खाओगे जो भी करोगे डाइनिंग होता है कि वहाँ पे खाने के पर्पज से आप जा रहे हो और अकेले तो जाओगे नहीं ठीक है कोशिश करोगे फ्रेंड या किसी के साथ तो दो लोग मिलकर कम से कम ये रोल प्ले करेंगे कंप्लेंग टू मैनेजर अबाउट रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस मान लीजिए कि रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगा और तो आप क्या करोगे कंप्लेन करोगे तो आप मैनेजर को कॉल करोगे वेटर विजिट मैनेजर्स तो इस तरीके से आप कॉल करेंगे और कंप्लेंट करेंगे ठीक है तो इस पर आपका एक सनारियों पर कुछ डायलॉग्स होने चाहिए पाँच सात दस नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट कस्टमर फीडबैक कॉल तो रेस्टोरेंट आप मान सपोज करो इसमें इस सिनेरियो में क्या आप रेस्टोरेंट ओनर हो या फिर रेस्टोरेंट की तरफ से आप काम करते हो अपने कस्टमर को कॉल किया कि सर लास्ट डे यू विजिटेड यू विजिटेड आवर रेस्टोरेंट सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर हाउ वाज द फूड हाउ वाज द सर्विस तो सारा कुछ आपको एक फीडबैक लेना है तो कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं आपको डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन जो आप पूछोगे ठीक है तो ये आपका अकेले भी हो सकता है और एक पार्टनर के साथ भी हो सकता है ठीक है आप पूछोगे अगला इंसान जवाब देगा या फिर अगर आप अकेले करना चाहते हो तो अकेले अकेले भी कर सकते हो फ़ोन ले करके और सिर्फ आप सवाल सवाल करोगे ओके नेक्स्ट ऑर्डरिंग फूड ओवर द फ़ोन अक्सर हम लोग फ़ोन पे ही फोन कॉल करके अपने आप रेस्टोरों से होटल से खाना मंगा लेते हैं तो इंग्लिश में क्या कॉन्वर्सेशन होने चाहिए इंग्लिश में कैसे बात करेंगे इसका कुछ डायलॉग आपको प्रिपेयर करना है और इस पर रोल प्ले करना है तो ये आप अकेले कर सकते हो ये कॉल वाला अकेले कर सकते हो यहाँ पर आपको दो लोग की ज़रूरत है इस वाले में भी दो लोग की जरूरत है इसमें आप अकेले कर सकते हो और ये वाला भी आप ये वाले में आपको भी दो लोगों की जरूरत पड़ेगी तो ऑलमोस्ट सारे में एक या दो से काम चल जाएगा तीन लोगों को एक रोल प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करना है आई होप थिंग्स आई क्लियर सो लेट्स गो फादर प्ले सो डी एस दिए सुन वी आर गोइंग टू अपीयर इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम

ताकि हम सर्टिफिकेशन एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें और हमें गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव करने का मौका मिले इसके बाद हम लोग टेन मेथ्स के लिए की करेंगे बिकॉज़ वी आर लर्निंग हियर की स्किल्स ओके की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे अगर आप करियर बनाना चाहते हो आज के टाइम पे आप कहीं भी किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो आपका कीबोर्डिंग स्किल अच्छा होना ही चाहिए तो होम रो पे टेन फिट होम रो पे एट फिंगर्स को और टू को दोनों दो थम्स को स्पेस बार पे रख के अपनी कीबोर्डिंग स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी एंड आफ्टर डिस्कशन और ग्रुप स्टडी ऑफ फिफ्टीन मिनट्स विल डू फॉर टेन मिनट्स लेटर ऑन विल गो फॉर अ फैंटास्टिक वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे लाइव हमारे टीम ने विज़िट किया था एक रेस्टोरेंट में अच्छे सॉरी होटल में तो होटल के पीछे बैक एंड में कितने सारे स्टाफ होते हैं क्या क्या काम होता है मैनेजर्स के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक मेम्बर कैसे एक पूरे फोर्स के साथ बेस्ट सर्विस देने के लिए किस तरीके से जी तोड़ मेहनत करते हैं तो इन सबको जानेंगे समझेंगे और क्या क्या करियर ऑप्शन हैं क्या क्या जैसे होटल मैनेजमेंट हम लोग आप लोगों ने सुना होगा होटल मैनेजमेंट बेसिकली एक कोर्स है जो बहुत से लोग करते हैं एम के बाद या एम से पहले भी करते हैं होटल मैनेजमेंट और इसमें क्या करियर ऑप्शंस हैं ये भी हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में और हम लोग देखेंगे किस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशन अपने बहुत से बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होटल ओनर्स हैं उन्होंने ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट कर दिया है कॉलेजेस खोल दिए हैं ताकि बच्चों को ट्रेन बच्चे उनको मिल सकें और बच्चों के लिए क्या बेनिफिट है कि आप ऐसे कोर्स में जा रहे हो जहाँ के बाद आपका जॉब कन्फर्म है आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पर हो जाओगे तो बहुत सारे जॉब ऑप्शन होते हैं लाइक एज अ शेफ़ आप काम कर सकते हो और एज अ मैनेजर काम कर सकते हो एज ए एक अच्छे होटल के वेटर की भी सैलरी अराउंड फोर्टी थाउजेंड होती है ताज होटल में एक एक वेटर की सैलरी अराउंड वन लैख होती है तो ये बहुत बड़ी बात है ऐसे ताज तो एक पुराना नाम हो गया इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे होटल्स सा हैं इंडिया में जो एक स्किल्ड एम्प्लॉक खोजते हैं जो उनको नहीं मिलता है एक बात और जब भी मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की बात करता हूँ प्लीज़ इमेजिन मत कीजिएगा अपने गाँव का छोटा होटल या रेस्टोर मैं बात कर रहा हूँ उन होटल्स का जो मेट्रो तो सिटीज़ में देखते हो बड़े बड़े शहरों में देखते हो उनका जो है सालाना टर्नओवर ओवर क्रोर्स में होता है वहाँ पे अगर कोई वेटर में भी है तो बहुत अच्छी सैलरी उठा रहा है ठीक है वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो रिसेप्शन पे होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है तो वेटर की सैलरी जब पचास के आसपास है तो रिसेप्शनिस्ट की सैलरी भी वन लैख के अप्रोक्स तो आराम से हो जाती है मैनेजर्स होते हैं आई टेक्नीशियंस होते हैं बहुत सारे गार्डनर होते हैं ठीक है क्लीनर होते हैं और बहुत सारी फ़ैकल्टीज होती है अराउंड टेन टू फिफ्टीन फैकल्टीज़ में अराउंड कम से कम डेढ़ सौ से के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं एक अच्छे होटल में जो थ्री स्टार फाइव स्टार आप सुनते हो तो अच्छे फाइव स्टार थ्री स्टार होटल्स में कम से कम सौ एम्प्लॉय तो आराम से काम करते हैं और किसी की भी सैलरी तीस पच्चीस तीस हज़ार से कम नहीं होती है अगर मैनेजर लग गया तो फिफ्टी प्लस ही सैलरी होती है और बहुत से लोग आज के टाइम पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं शेफ अच्छे शेफ़ हो आप तो उनकी सैलरी तो कम से कम लाख रुपए डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी और कितने टाइप की रेसिपीज बना सकते हैं आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं जल्दी जल्दी और कुछ सवाल हैं जो आज जिसका जवाब आपको लेकर आना है तो पहले देखते हैं नज़र डालते हैं सवाल So dear students, when you will watch the short video which I'll send along with this lesson, while watching the uh, while watching the short video, please keep in mind these three questions. आपको इन तीन questions के जवाब लेकर आने हैं video को देखते समय. पहला क्या है? विच करियर इन दॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डिड यू फाइन इंटरेस्टिंग इन वाई उस शॉर्ट वीडियो में बहुत से आ, मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये जो होटल इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसको आ, कहते हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जैसे कि मेडिकल लाइन को कहते हैं ना मेडिकल जिसमें डॉक्टर्स आते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी होता है इंजीनियरिंग फैकल्टी भी होता है बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं तो उसी तरीके से यह हमारी इंडस्ट्री है हमारा ये एक व्यापार है जिस में सारे हॉस्टल सारे हॉस्पिटल हॉस्पिटल सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट आते हैं गेस्ट हाउस आते हैं तो उसमें बहुत सारे रोल्स हैं बहुत सारे लोग हायर होते हैं काम करने के लिए तो कौन सा वाला रोल कौन सा वाला करियर ऑप्शन आपको अच्छा लगा मैनेजर वाला शेफ वाला वेटर वाला क्या कहते हैं बेल बॉय वाला क्लीनर वाला बहुत सारे हैं रिसेप्शनिस्ट वाला गार्ड वाला कौन सा वाला आईटी सेक्टर वाला तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आप वीडियो को ध्यान से देखो डिटेल में देखो और बताओ कौन सा अच्छा लगा और क्यों कौन सा वाला आप सेलेक्ट करोगे अगर करोगे तो मान लो कोई भी आपको डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना जो भी बनना बट अगर आप इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ सेलेक्ट करना चाहोगे तो क्या सेलेक्ट करोगे उस शॉर्ट वीडियो को अच्छे से देखो ध्यान से देखो और फिर बताना दूसरा अदर देन क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन तो एक जगह पे कि होटल मैनेजमेंट आपको करना होगा एम करना होगा या जो भी कोर्सेज़ करने होंगे वो अपनी जगह है उसके अलावा वॉट क्वालिटीज़ एंड पर्सनैलिटी ट्रेस याद है हमने पर्सनैलिटी यानी अपीरेंस लेसन किया था जिसमें हमने पर्सनैलिटी की बात की थी अपेरेंस की बात करा था तो कौन से ऐसी क्वालिटीज हैं और पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं मतलब कि पर्सनल पर्सनालिटी की जो हमारे अंदर खूबी होनी चाहिए जो हमारे अंदर गुण होने चाहिए कौन से वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे गुण हैं कौन से ऐसे पर्सनैलिटी वाली बात है जो आपके अंदर होनी चाहिए लाइक यू शुड बी गुड स्पीकन इन इंग्लिश आपको सबसे पहली बात कि किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ रिस्पेक्ट respected करियर respected आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग दोनों ही तरीके से अच्छी होनी चाहिए लिसनिंग में अच्छी होनी चाहिए तभी तो कस्टमर्स को आंसर सही से कर पाओगे अगर लिसनिंग खराब होगी तो कर पाएंगे क्या अच्छे से जवाब तो अब लास्ट सवाल हाउ इज स्टैंड फॉर क्लास डिवलपिंग दोस्त ट्रेड और क्वालिटीज़ तो जो क्वालिटीज़ आपको लगता है कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आपको आने चाहिए क्योंकि सिर्फ इंग्लिश स्टैंड फॉर आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखा रहा बहुत से बच्चे आदि प्रोनाशिएशन करने में चूकते हैं तो इसको प्रोनाउंस करते हैं स्टैंड फॉर डिस स्टैम्प फॉर स्टैंड फॉर दिस सो स्टैम्पर इस क्लास में आप कौन सी क्वालिटीज और ट्रेस सीख रहे हो प्लीज आंसर करेंगे तो आप अभी भी आंसर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन तो वीडियो को पॉज करो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो यू हैव टेन सेकेंड डू इट फास्ट आई वुड लर्व टू रीड योर कमेंट आई वुड लर्व टू रीड योर राइटिंग सेक्शन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज किप किस मार्क अटेंडेंस मार्क करना ना भूलें अटेंडेंस फॉर्म में भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दोनों ही जगह आपको अटेंडेंस मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही तरीके से सी एफ आर आपके अटेंडेंस को वेरीफाई करता है टैली करता है और जो बच्चे नाइन्थ प्लस अटेंडेंस अचीव करेंगे वही गोल्डन सर्टिफिकेट को क्वालिफ़ाई करते हैं उस पर जो परसेंटेज आएगा वो तो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा सीख रहे हो कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो पर गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा इसके लिए अटेंडेंस होना बहुत Yeah, in this lesson at the restaurant one we are going to uh, learn about restaurant objects restaurant uh, we are practice about events we are going to practice about events and occasions which we conduct or we attend in our restaurant next thing we'll talk about uh, hospi uh, hospitality industry we'll talk about role play in this book exercise section so let's have a look on exercise a सो वेरी सुन वेरी क्विक वेन डू यू ईट आउट आप लोग बाहर खाना कब पसंद करते हैं कब आप बाहर खाने जाते हो प्लीज़ राइट कीजिए लिखिए यहाँ पर दो ऑप्शन पहला तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएसन याद है हमने करा था बेसिक लेवल में आपको याद होगा फॉर्मल सिचुएशन क्या होता है बताइए फॉर्मल सिचुएसन होता है जैसे कि आप चाहो किसी ऑफिस पार्टी में आप जाओ कैसे स्कूल या कॉलेज के इवेंट में यूनिवर्सिटी इवेंट में वो तो आपका हो गया फॉर्मल वाला इनफॉर्मल क्या हो गया आपका बर्थडे पार्टी है घर की शादी है कोई भी जहाँ पर रिलेटिव फ्रेंड्स मिलने वाले वो आपका इनफॉर्मल सिचुएशन हो गया तो उस सिचुएशन में जो ओकेज़न या इवेंट्स हो रहा है उसको हम लोग इनफॉर्मल ओकेज़न या इवेंट कहेंगे और जो ऑफिशियल होगा प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा उसको फॉर्मल ओकेज़न या इवेंट कहेंगे ठीक है तो क्या आप खाते हो फॉर्मल ओकेज़न में वो लिखेंगे इन फॉर्मल ओकेज़न में क्या खाते हो दो चीज़ वो आपको यहाँ पर लिखना है कई बार हम लोग अलग अलग खाते हैं चीज़ें और कई बार पीते भी हैं कुछ चीज़ें जो इनफॉर्मल अनफॉर्मल सिचुएशन इवेंट्स में अलग अलग होती हैं चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो जिनका प्रनंशन करने में हम लोग अक्सर गलती करते हैं तो आप लोग को मेरे साथ प्रोनाउंस करना है प्रैक्टिस करनी है इसको कहते हैं प्लेट जिसमें कुछ खाना रख के खाते हैं ये है ग्लास ग्लास जो पानी पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और भी कुछ पीने के लिए यूज़ होता है इसको बाउल नहीं कहते हैं इसको बॉल कहते हैं बॉल क्या कहते हैं बॉल तीसरा है फोर्क नहीं कहते हैं इसको फोक कहते हैं फोक फोक ये है हमारा नाइफ नाइफ नाइफ, नाइफ। प्रोनाशिएशन ऐसा हमने कर लिया है बेसिक लेवल में तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे आर्टिकल पे ध्यान देना है नाइफ यह है स्पून स्पून ठीक है अब आगे चलते हैं तो ये है हमारा मेन्यू 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 होता है ना रेस्टोरेंट में होटल में देखते होंगे जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर नम, ऑफ़ आइटम्स लिखे होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स लिखे होते हैं और साथ साथ उसका प्राइस भी लिखा होता है ध्यान होगा ये है हमारा नैपकिन ये हमारा क्या है नैपकिन है जो यूज़ होता है हैंड को साफ़ करने के लिए कभी कभी छोटे बच्चों के बॉडी पे भी रख करके उनको खाना खिलाते हैं या फिर कॉलर में लगा करके भी खाना खिलाते हैं छोटे बच्चों को तो नैपकिन का यूज़ होता है इसको कहते हैं कप एंड सॉसर कप जो ऊपर रखा हुआ है ये कप है और नीचे जो प्लेट की तरह तो दिख रहा है इसको कहते हैं सॉसर आई होप प्रनाशन ड्रिल आपने कर लिया है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो वीडियो को पीछे की तरफ तो ले जाओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें इन टर्म्स को इन टर्म्स की सही प्रोनौंसिएशन आनी आपको बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट थिंग अब कुछ लोग जो हमें रेस्टोरेंट में ट्रीट करते हैं हमें सर्विस देते हैं उन लोगों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से लोग हैं ओके okay. और इनका प्रोनाशिएशन भी सही से करेंगे ये शेफ़ नहीं होता है शेफ़ कहते हैं शेफ शेफ़ शेफ़ तलाब शो याबे सिंह सही प्रोनाउंस करेंगे शेफ़ ये शेफ़ क्या काम करता है खाना बनाने का काम करता है इसका काम होता है सिर्फ खाना बनाना तो कुक फूड शेफ़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली कुकिंग फूड ये आपको सर्व नहीं करेंगे सिर्फ खाना बनाएंगे का मैनेजर ये मैनेजर होते हैं जो बिलिंग काउंटर पे होते हैं या फिर उनसे सीनियर जो मैनेजर होते हैं वो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट या होटल की मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं अगला हमारा है होस्ट host और होस्टेस अगर लड़का है तो होस्ट कहेंगे लड़की तो होस्टेस कहेंगे अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो आपको गेट में एंटर करने के बाद जो जो लोग अटेंड करते हैं हेलो सर हवाई हाँ सर, सर सर इस टेबल पर बैठ जाओ सर करने के बाद वेटर को सेंड करते हैं कि जाओ वेटर जाके इनको ट्रीट करो अच्छे से तो ये जो काम होता है ये होस्ट या होस्टेस का होता है लड़का है तो होस्ट लड़के तो होस्टेस इसी से टर्म आता है एयर होस्टेस तो वो लोग का काम के जो एयर मतलब कि हवा में है फ्लाइट में है उनको एयर होस्ट कहते हैं और होस्टेस कहते हैं ठीक है तो वो लड़का है तो एयर होस्ट और लड़के तो एयर होस्टेस कहते हैं वेटर वेटरेस कुछ रेस्टोरेंट में लड़के वेटर होते हैं तो उसको वेटर कहते हैं और लड़की वेटर है तो वेटरेस कहते हैं जैसे आप रेस्टोरेंट में इन करोगे तो आपको होस्ट अटेंड करेंगे हाय हेलो करेंगे ग्रीट करेंगे अच्छे से प्यार से ले जाके आपको टेबल पर बैठा देंगे उसके बाद वेटर को भेजेंगे वेटर आपका क्या करता है आपके ऑर्डर्स लेता है के ऑर्डर लेता है और कई बार होस्ट भी आपका ऑर्डर लेता है लेकिन जो आपकी चीज़ों को बनाता है शेफ़ और शेफ़ के बनाने के बाद शेफ़ से उठाकर कस्टमर तक पहुंचाने का काम वेटर का होता है बार टेंडर बार टेंडर का, का काम क्या होता है आपको वाइन अल्कोहल शराब दारू वोट का प्रोवाइड करना आपको बार टेंडर के पास जाकर खड़ा होना होता है उसके स्टेज पे मतलब उसकी काउंटर के पास और फिर वो आपको शॉट्स ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं ये काम बार का होता है सिर्फ ड्रिंक देना और कुछ नहीं कस्टमर हम आप होते हैं जो जाकर रेस्टोरेंट या होटल में खाते हैं पीते हैं मज़े करते हैं आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है थोड़ा भी डाउट है पीछे करो वापस देखो और प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन शेफ़ मैनेजर हॉस्टेस हुस्ट, वेटर वेटरेस बार कस्टमर अब देखिए रोल प्ले हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है रोल प्ले के मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं अलग अलग उसमें एक टॉपिक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है वो आपको ध्यान से देखना है प्रैक्टिस करना ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है आपका जो रोल प्ले है वो अच्छा हो सके बेस्ट हो सके इस दिस के लिए तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको देखिए फिल कैसे करना है ध्यान से देखिए आप जैसे ही इन करोगे सपोज दैट यू आर कस्टमर आप इन कर रहे हो ठीक है होटल में तो होस्ट मिलेंगे हो सकेंगे जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग हाउ मैनी पीपल मतलब कि गुड मॉर्निंग ग्रीट करेंगे फिर पूछेंगे कितने लोग हैं आप लोग तो हम जैसे चालू से गए कहें, तो कहेंगे फोर प्लीज तो अब द होस्ट होस्ट जो होगा या होस्ट होगा, होगा तो लड़का होगा तो होस्ट लड़की तो होगी तो होस्टेज आपको टेबल तक ले जाएगा टू अ टेबल फॉर द होस्टेज टेक्स यू टू टेबल फॉर ठीक है फोर सेवन सिक्स जो भी आपका नंबर था फोर था वो आपको ले जाएगा उसके बाद वेटर आपके पास आएगा वेटर बोलेगा गुड मॉर्निंग सर क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू तो आप रिप्लाई करोगे गुड मॉर्निंग थैंक यू कैन यू ब्रिंग मी द मैन्यू प्लीज तो वेटर कहेगा आपको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू कैसे हैं आप तो आप रिप्लाई करोगे तो अच्छे से ये नहीं कि छोटे hey, ये तमीज़ सा तरीक़ा नहीं होता है अच्छे रेस्टोरों या होटल में और किसी भी होटल या रेस्टोरों में एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन में यही फ़र्क़ होता है जाहिल इंसान जो होगा वो क्या कहेगा छोटू बेटा इधर दे दे तो ये चीज़ें गलत है बहुत बार ऐसा भी करते हैं जो बिल्कुल भी सही वे नहीं है बोलने का तरीका ये है कि आप बोलाइए एक्सक्यूज़ मी करके मिस्टर एक्सक्यूज़ मी तो वो आपको सुनेंगे ट्रीट भी अच्छे से करेंगे फिर इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलता है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट तो थैंक यू करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं डायलॉग्स देखिए आगे क्या है आगे है मेन्यू के लिए आपने मांगा है तो वेटर क्या कहेगा श्योर श्योर है इट इज़ आपको वो मेन्यू देगा थैंक यू व्हाट इज़ टुडे इज स्पेशल हर रेस्टोरेंट या होटल में हर दिन का कुछ ख़ास बनता है कुछ स्पेशल बनता है तो आप पूछोगे तो बंदा वेटर जो होगा वो रिप्लाई करेगा सर टुडे इज स्पेशल इज़ बिरयानी शाही पनीर विद अ डिलीशियस पनीर पकौड़ा एंड तंदूरी रोटी तो ये अपना स्पेशल जैसे बताएंगे ये तो मैंने बता दिया आप भी कुछ बता देना ठीक है तो आप आंसर करोगे कस्टमर आंसर करेगा साउंड्स गुड आई विल हैव दैट अच्छा लग रहा है सुन गुड मतलब सुनकर अच्छा लग रहा है लग रहा है कि अच्छी चीज़ होगी कुछ तो आप कहोगे चलो ये ले आओ मेरे लिए ठीक है तो वेटर अब कहेगा वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक क्या आप कुछ पीने में पसंद करेंगे तो आप कहोगे Yes, I would like to drink uh, cold drink. Please bring me cold drink. या फिर आप कह सकते हैं कि I would love to order it later on. I would like to order later on. मैं बाद में order करता हूँ, ठीक है? तो अब वेटर आपने जो भी ऑर्डर किया है वेटर उसको रिपीट करके बताएगा आई विल रिपीट दस यू ऑर्डर शाही पनीर बिरयानी एंड तंदूरी रोटी विद चिकन पकोरा सो ये ऑर्डर रिपीट करेगा वेरीफाई करने के लिए कि सही नोट हुआ है कि नहीं तो आप वेरीफाई करोगे सही बोला है तो आप बोलोगे दैट इज़ करेक्ट थैंक यू तो आप रिपीट करोगे अगर कुछ गलती, हो, गलती, हो, गलती, हो, गलती हो, नो, नो नो वो भी नहीं ऑर्डर नहीं क्या प्लीज़ करेक्ट दिस ठीक है अब आपका ऑर्डर आने वाला है तो वेटर वॉर्टर्स क्या होगा अब शेफ़ को जाके दे दिया शेफ़ बनाएगा पंद्रह बीस मिनट का वक्त लगेगा उसके बाद आपको ला करके वेटर देगा तो क्या कहा इज योर ऑर्डर इन्जॉय योर मील सर देखिए वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए इंटोनेशन आपके वर्ड्स में बिल्कुल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए बोलने के टाइम पे तो क्या कहेगा ही इज योर ऑर्डर इन्जॉय योर मील सर सो आप कहोगे थैंक यू सो मच ठीक है उसके बाद जब आप फिनिश कर लोगे आपका खाना पीना ख़त्म हो गया ठीक है और तब वेटर फिर से आएगा लास्ट में आई होप यू इंजॉय योर मील कैन यू गेट कैन आई गेट यू सम समेजर्ट मतलब कुछ मीठे में ला के आपको दूँ मज़ा आई होप खाना खाने में मज़ा आया होगा तो अगर खाने के लिए आपको मीठा कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो जैसे कि खीर है माखूती है जलेबी है तो ये चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो अदरवाइज़ आप कह सकते हो नो थैंक यू आई वुड लाइक द चेक प्लीज़ आई वुड लाइक टू चेक अब ये चेक जो एक टर्म देख रहे हो चेक मतलब होता है बिल ले कर देना रेस्टोरेंट में ये नहीं बोलता बिल ला के दे दे भाई ऐसा नहीं होता है आप बोलोगे चेक प्लीज़ तो वो समझ जाएगा कि आपको बिल चाहिए ठीक है रेस्टोरेंट में जो बिल मांगते हैं उसका नाम होता है चेक बाकी जगह चेक नहीं बोलने लोग बोलेगा अरे ले, चेक लेके कर तो थोड़ा इन्होंने घूम रहा हूँ सो दैट विल बी आर इस वन थाउजेंड टू थाउजेंड जो भी आपका बिल बना हे यू आर करके आप पैसे आगे बढ़ाओगे हे यू और करके आप पैसे बढ़ाओगे और कुछ टिप भी छोड़ देना बेचारों के लिए ठीक है लास्ट में क्या होगा वो बेचारा पैसे ला के रिटर्न करेगा जो भी बचे हुए आपके मतलब कि जो भी आपका रिटर्निंग अमाउंट होगा वो आपको ला कर रेस्ट अमाउंट वेटर देगा कहेगा थैंक यू हैव ए नाइस डे सर तो आपको कह थैंक यू सो मच बाय अच्छे से ग्रीट करना होता है ये नहीं कि वेटर है तो आपका गुलाम है या उनकी कोई इज्जत नहीं होती है तो अगले लेसन में हम लोग सीखेंगे एट द रेस्टोरेंट में कुछ और नया कुछ और बेहतरीन और मेन्यूज को और डिस्कस करेंगे तो जानने के लिए बने रहें और सीखते रहें इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो आफ्टर एक्सरसाइज लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स बेटर मोर बेटर लाइक दे आर सम फॉर्मल सिचुएशन एंड इनफॉर्मल ओकेजन्स मतलब फॉर्मल ओकेजन्स होते हैं इनफॉर्मल ओकेजन्स होते हैं और दोनों ही इवेंट्स में हम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं जरूरी नहीं है कि जो आ, हमारे खाने का जो हमारे करने का जो हमारा सेक्शन होता है जो मेन्यू होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में सेम हो अक्सर फॉर्मल और इनफॉर्मल इवेंट्स में जो मेन्यू होता है वो अक्सर डिफरेंट पाया जाता है क्यों इसका जवाब आपको लेकर आना है आज ठीक है ऐसा क्यों होता है फॉर्मल इनफॉर्मल इवेंट्स में जो मेन्यू होता है जो फूड आइटम्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट आइटम्स होते हैं जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं वाई इसका आंसर आपको देना है नेक्स्ट थिंग वी विल प्ले अ शॉर्ट क्विज़ आफ्टर बुक्स एक्सरसाइज टुडे एंड फीडबैक देना मत भूलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बहुत मेहनत लगता है बहुत एफ़र्ट लगता है आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे लेसन्स तैयार करके आ रहा हूँ डेली रोज़ाना कर रहा हूँ और इतने अच्छे कोर्स को जो वर्ल्ड क्लास कोर्स है सी ई ए फॉर बेंच मार्क पर वो आप तक पहुँचा रहा हूँ वो भी एकदम नॉमिनल रेट पे है अगर आप किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको कम से कम टेन थाउजेंड रुपीज़ पे करना होगा मिनिमम फॉर सिक्स मंथ यू हैव टू पे मिनिमम टेन थाउजेंड रुपीज़ पर आपको इतने कम में कोर्स मिल रहा है वो आपको ख़ुद भी समझ में आ रहा होगा कि आप कितना कम पे कर रहे हो ठीक है और जितना लंबा कोर्स अभी तक चला है चार महीने टोटल अभी तक जो कोर्सेज चले हैं ये सारा कोर्स जो छः सात महीना हमने पढ़ा है अगर इसका मार्केट रेट अगर बताऊँ तो कम से कम फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड है इन मेट्रो सिटीज़ अच्छे शहर में पटना दिल्ली मुंबई इन शहरों में अगर आप जाओगे अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो वहाँ आपको इतना पे करना होगा बिकॉज ऑफ हेल्प बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अहमदिया फाउंडेशन हम आपको बहुत कम फी में नॉमिनल फ़ी में आपको इतने अच्छे कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपने कुछ भी सीखा है आज तो लाइक करें वीडियो को और इतने अच्छे कोर्स के बारे में और लोगों को भी बताएं और इससे आपको बेनिफिट भी है एक तो आपको पुण्य मिलेगा सवाब मिलेगा और साथ साथ कैशबैक भी अर्न करने का मौका मिलेगा ये तो भूलना ही मत आपके थ्रू जितने भी बच्चे आते हैं आपको पर स्टूडेंट फिफ्टी रुपीज़ का कैशबैक अहमदिया फ़ाउंडेशन देती है वो मैं नहीं देता वो स्टैंप फर्डिस नहीं देता वो आपको अहमदिया फ़ाउंडेशन देती है इसीलिए आपके एडमिशन फॉर्म में आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमेशा वो सेक्शन होता है कि आपको स्टैम्प फोर्ज़ के बारे में किसने बताया तो आपको वहाँ पर उनका नाम जरूर लिखना चाहिए जिन्होंने आपको रेफ़र किया है और अगर वो हमारे स्टूडेंट हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो उनको अहमेदिया फाउंडेशन की तरफ से पर स्टूडेंट फिफ्टी और मैक्सिमम अप टू फिफ्टीन हंड्रेड तक अर्न करने का मौका मिलता है तो इस मौके को गंवाएँ नहीं और अर्न करें हर हफ्ते फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ और सो पुण्य भी कमाएँ कि आप इतने अच्छे नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशन और कोर्स के बारे में औरों को बता रहे हो तो चलिए दो मिनट में समझते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं सर्टिफिकेशन कैसे होने वाला कोर्सेज़ क्या क्या हैं तो दो मिनट और दीजिए और सी।